हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू नबीलाज प्लानेट। आप सब लोगों को ईद मिलादुन नबी की बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आमीन। आज की जो वीडियो है, मैं इसमें आप लोग को बताऊंगी कि मैंने किस तरह से ईद मिलाद मनाया, क्या क्या मैंने बनाया, किस तरह से बनाया। तो बस आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। मैंने यहाँ पर जो अभी फिरनी बनाने की तैयारी कर ली है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है पतीली रख दी, और ये जो प्रिपरेशन है मैं है ना आधी प्रिपरेशन है जो रात में ही कर लूँगी। तो ये जो है मैं रात का ही टाइम है, मैं जो है रात में पहले खीर भी बना लूँगी, चिकन को मैरिनेट कर लूँगी, और जो है प्याज का बिरिस्ता भी बना लूँगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं रात में करने वाली हूँ, और नेक्स्ट डे जो है फिर बनाने के लिए ईजी पड़ जाएगा, हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 लीटर जो है दूध ले लिया है, ठीक है। इसको मैं जो है फिरनी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर दूध जो है ले लिया है। इसको हम जो है अच्छे से बॉईल करने रख देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है, और जो है साथ में यहाँ पर देखो मैंने मेरे पास जो कुछ लाइटिंग्स रखी हुई थी, तो वही मैंने थोड़ी बहुत लगा दी है, क्योंकि अच्छा लगता है, लगता है हाँ कोई फेस्टिवल है घर में। फिर यहाँ पर दूध में जो है मैं ज़ाफ़रान डालकर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका अच्छा सा जो है कलर दूध में उतर जाए, तो उसका कलर भी अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो ये पहले जो है मैं इसे साइड में डालकर रख दूँगी। देखिए यहाँ दूध पकना शुरू हो गया है। अब हम इसे इतना पका लेंगे कि इसमें जो है सिर्फ जो है 70% तक दूध बचा होना चाहिए, जितना हमने लिया था उससे। आप आगे के वीडियो में देखेंगे कि ये देखिए पक्का कितना कम हो गया है। अच्छे से हमें इसे जो है पकाना है, कम से कम 1 घंटा तो ये पूरा प्रोसीजर पकने में और सब रेडी होने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने जो है चावल पीस लिया था, वही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, और धीरे धीरे हमको जो है ये चावल पीसना है। वो मैंने पहले ही बासमती राइस को भिगो कर रख दिया था, और उसका मैंने जो है इस तरह से पेस्ट बना लिया, ठीक है। इसको धीरे धीरे जब अच्छा बॉईल हो जाए, कम से कम 40-45 मिनट्स तक के ये बॉईल हो रहा था, उसके बाद जो है मैंने इसमें राइस डाला है। राइस डाल कर भी कम से कम मैं इसको जो है 20-30 मिनट्स के लिए पकाऊंगी, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के लिए हमको इसको अच्छे से पकाना है और चलाते रहना बीच में, ताकि उसमें लम्स ना बन जाए। अगर ये एक बार आप चलाना बंद कर दोगे, इसको रख कर हट जाओगे, तो उसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए अभी अच्छे से पकना शुरू हो गया है। यहाँ पर जो है वो खीर का जो है हमारा फिरनी का रेडी हो रहा है दूध, जब तक के जो है यहाँ मैं साथ साथ में चिकन भी मैरिनेट कर रही हूँ। चिकन को मैरिनेट हमें ज़्यादा नहीं करना है, मैं टिक्का बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए जो है मैंने दही ले ली है थोड़ी सी, और 2 टेबल स्पून जो है हम भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, और चिकन का जो भी टिक्का मसाला हो, तंदूरी मसाला हो, जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हो। मेरे पास टिक्का मसाला था, वो मैंने डाल दिया मैरिनेशन। मैरिनेशन में ज़्यादा जो है चीज़ें हमें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि वो ग्रेवी में ही जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल दिया है, और मैं डाल दूँगी इसमें मैदा। मैदा हमें ज़्यादा डालना है, 3 टेबल स्पून जो है मैं मैदा डालूँगी, और 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और ये 2। ये डालने के बाद यहाँ देखिए मैंने अभी नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद जो है मैं इसमें फूड कलर ऐड कर दूँगी। ये कलर ऐड करने से कलर जो है अच्छा आता है, काफ़ी ऑरेंज रेड कलर है ये। इसके बाद जो है इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट जैसा रेडी कर लेंगे। इसको है जो मैं ओवरनाइट ही मैरिनेट करके रख दूँगी, ताकि सुबह में ऐसे फ्राई करके जो है मसाले में डालना होगा, तो इसीलिए अभी आधा काम हमारा जो है यही टाइम रात में जो है कंप्लीट हो जाएगा, ताकि सुबह में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्द से जल्द हमारी बिरयानी बन के रेडी हो जाए। फिरनी तो अभी मैं रात में ही रेडी कर दूँगी, और बिरयानी जो है सुबह में रेडी करना होगा, फिर उसके बाद जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोगों में। देखिए यहाँ पर जो है मैं चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी। यहाँ चिकन जो है मैंने फ्रेंड्स
ढाई किलो लिया है, 2.5 किलो चिकन है और 2 किलो चावल लूँगी मैं, 2 से सवा 2 किलो चावल जाएगा और 2.5 किलो जो है चिकन रहे। ये देखिए यहाँ पर ये पक के देखिए क्वांटिटी उसका कितना हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो ये मार्क्स आ गए हैं ना, वहाँ पर दूध था, अब ये पक कर इतना कम हो गया है। इसको बीच बीच में चलाते रहना ज़रूरी है वरना नीचे से लगने लगेगा। अब ये टाइम पर जो है मैंने यहाँ पर काजू बताया था, ये काजू का पेस्ट है, हमें काजू को पहले से भिगो लेना है, उसके बाद उसका जो है पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर वही मैं उसे धीरे धीरे जो है पेस्ट ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है, बारीक होता है ना काजू, तो वो टेस्ट उसका बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। अच्छे से जो बाउल में था वो भी मैंने निकाल के सारा जो है दूध में डाल दिया है। अब इसे भी अब हम पकने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद जो है ना हमने जो केसर बनाया था दूध, केसर दूध, वो भी इसमें ऐड कर देंगे इसी टाइम पर। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ज़ाफ़रान का इसमें, इसका बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। बस ये हमें अभी डाल के मिक्स कर देना है। देखिए यहाँ पे मिक्स कर दिया, इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, हल्का सा लाइट ब्राउन जैसा कलर आता है क्योंकि दूध भी काफ़ी पक जाता है उसमें, ऊपर से फिर ये जो हम फ्लेवर केसर का जाता है उसका कलर जाता है ना, तो कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं इसमें देखिए पूरा एक जो है मिल्क मेड ऐड करूँगी। आपने देखा होगा अभी तक मैंने शुगर ऐड नहीं की है, तो एंड में जो है हमें जो है मिल्क मेड इसमें ऐड करना है। उसके बाद अगर आपको लगे कि शुगर आपको ज़रूरत है डालने की तो आप डालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा जो है मिल्क मेड डाल दिया है। मिल्क मेड डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाता है क्योंकि वो लिक्विड है ना, तो वापस से हमें जो है मिल्क मेड डालने के बाद भी जो है 5 मिनट्स तक के उसको अच्छे से तेज़ आंच पे पकाएंगे ना, तो वो वापस से थिकनेस आ जाएगी उसके अंदर और अच्छे से जो है हमारा मिल्क मेड पक भी जाएगा। और इसका जो है देखो हीरो है, आपको फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा जब आप इसमें डाल दोगे वेनीला एसेंस। वेनीला एसेंस डालने से ना दूध की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ही चली जाती है, तो मैं ये ज़रूर ऐड करती हूँ अपनी फिरनी में। ये वेनीला एसेंस भी डाल दिया मैंने, ज़ाफ़रान भी डाल दिया है, मिल्क मेड डाल दिया है, जब ये सबका फ्लेवर एक साथ आता है, काजू डाला है हमने, तो ये सबका फ्लेवर बहुत अच्छा बन के आता है। देखिए मैं यहाँ पर तेज़ आँच पर इसको पका रही हूँ और थिकनेस इसकी शुरू हो गई। ये देखिए यहाँ पर फिरनी रेडी हो गई। अभी ये पतली लग रही है थोड़ी सी, बट जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये एकदम जम जाएगी आइसक्रीम की तरह। तो यहाँ पर जो है देखिए मैं निकाल दूँगी। मैं यहाँ बाउल में इसलिए पहले से निकाल दे रही हूँ ताकि हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम इजी हो जाए। हम सब नीडी पीपल में हमें जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ फ्रेंड्स लोग हैं उनके घर पर भेजना है, घर के लिए रखना है, तो इसीलिए पहले से ये फ्रिज में रात भर में जो है अच्छे से जम जाएगा। उनको बड़ा मज़ा आता है जब भी ऐसा कुछ हम करें ना, तो वो साथ में आ जाते हैं, लग जाते हैं, मम्मा मुझे भी करना है साथ में, तो अच्छा है। बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं इस तरह से हमारे कोई भी फेस्टिवल में, उनको भी चीज़ें पता चलती है, कुछ सवाल करते हैं तो उनको भी नॉलेज हो जाती है बहुत सारी चीज़ों की। अब देखिए ये हो गया, फिरनी मेरी रेडी हो गई थी। अब यहाँ पर जो है मैं फिरनी वगैरह का काम ख़त्म होने के बाद यहाँ पर प्याज मैं लाल करने रख दी, इसका ब्रिस्ता बनाएंगे। इसमें जो है मैं 1 किलो से ऊपर ही प्याज, 1.25 किलो के करीब प्याज है, और यह अदरक लहसुन और हरी मिर्च एक साथ जो है मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। देखिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च का ये पेस्ट बन गया। प्याज लाल हो रही थी तो वही टाइम पर मैंने पेस्ट रेडी कर लिया था। देखिए वापस अभी मैं जो है प्याज चेक करूँगी। जब भी ब्रिस्ता बनाना है देखिए आपको उस पर जो है बहुत ध्यान देना पड़ता है, अगर आप उसको छोड़ के भूल जाएं तो उसका कलर इवन नहीं आता है और वो क्रिस्पीनेस भी नहीं होती है। तो देखिए कलर आप देखिए कितना अच्छा मेरा ब्रिस्ता का कलर आया हुआ है। बस हम जो है अब इसे निकाल लूँगी मैं, और फिर जो है कल के लिए देखिए मैंने कितना काम आसान कर लिया है। मैंने ब्रिस्ता भी बना लिया, चिकन मैरिनेट कर लिया है, फिरनी बना ली है, ताकि कल जो है हमें कम काम रहे। कम तो नहीं, कल भी बहुत काम रहेगा बट थोड़ा लोड कम हो जाएगा।
यहाँ देखिए अभी ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे नाश्ता वगैरह हो गया था सब, मैंने किचन जो है क्लीन कर लिया, उसके बाद में जो है मैं चिकन फ्राई करने जाऊँगी और चिकन फ्राई होता रहेगा और एक साइड जो है मैं मसाला भी भूनना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर पहले जो है मैंने चिकन डाल दिया है, चिकन डाल के उसको फ्राई कर लेना है हमको अच्छे से, और इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत, मतलब पूरा 100% नहीं करना है, आप 80% तक के इसको कुक करो, उसके बाद निकाल देना है क्योंकि ये जो है मसाले में जाकर भी जो है पकने वाला है। तो बस एक उस पर अच्छी सी कोटिंग आ जाए, फ्राई हो जाए, बस इतना ही हमको फ्राई करना है, ठीक है। ये 3-4 स्लॉट में जो है मेरा पूरा जो चिकन है फ्राई हो गया था, चिकन फ्राई हो रहा है। साथ साथ में जो है यहाँ पर मैंने देखो टमाटर ले लिया है, ये 1/2 kg टमाटर होगा, इसको हम जो अच्छे से चॉप कर लेंगे। साथ साथ में देखिए काम करने से काम जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आप मल्टीटास्किंग करना कोई भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं अभी टमाटर भी कट कर रही थी, साथ में चिकन रेडी हो गया था फर्स्ट स्लॉट, तो उसको निकाल दिया मैंने, अभी सेकेंड स्लॉट डाल दिया है चिकन का इसमें। तो इसी तरह से हमको कैसा है ना काम को बांटना और उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि कब आपको क्या करना है, कौन से टाइम करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, तो इसका इससे आपका टाइम जो है काफ़ी बचता है और चीज़ें परफेक्टली बन जाती है, टाइम से बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने तेल ले लिया है, कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए बिरयानी में डालने के लिए, वो हम इसमें पहले डाल देंगे। इसमें तेल आपको कम लग रहा होगा क्योंकि चिकन अभी फ्राई हो रहा है, तो उसका जो है तेल वो भी मैं बाद में ऐड करूँगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा तेल लेकर जो है मसाला भूनना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो है तेल में खड़े गरम मसाले डालने के बाद मैंने जो टमाटर कट किए थे वो पहले मैं पूरा डाल दूँगी और ये सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे हम इसको। नमक भी डाल दिया है, नमक से क्या है जो है गल जाता है। देखिए इसको मैंने थोड़ा 5 मिनट्स के लिए रख दिया है कि वो सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद जो हमने देखिए मसाला पीसा था हरी मिर्ची अदरक लहसुन का, वो हम ले लेंगे कम से कम 6 टेबल स्पून हम जाएगा ये भर भर कर, क्योंकि देखिए बिरयानी भी जो हम ज़्यादा बना रहे हैं तो इसके हिसाब से अदरक लहसुन का पेस्ट भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, अगर हम कम डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च भी है, अदरक लहसुन, दो तीनों चीज़ें हैं। अब इसे डाल के पहले जो है 5 मिनट्स पहले अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हमें भून लेना है ताकि उसका जो एक कच्चापन होता है ना वो निकल जाए, उसके बाद जो है हम मसाले बाकी के डालेंगे। ये यहाँ पर मैंने इसको भूनने के लिए रख दिया है, साथ में जो है मैंने बिस्तर रात में बनाया था तो वही मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, जो प्लेट में निकाल रही हूँ ये हमें जो है बिरयानी जब हम बैठाएँगे वो टाइम पर लगेगा। ये देखिए मैंने इतनी निकाल ली है बिरयानी बैठाने के टाइम, और इसका जो है हम एक पेस्ट बनाएंगे, इसको अच्छे से हमें जो है चूर कर लेना है। देखिए एकदम क्रिस्पी हो गई है मेरी जो है ब्रिस्ता, तो अच्छे से हाथ से चूर हो जा रही है। अगर आपकी चूर ना हो तो आपको क्या करना होगा कि मिक्सर में आपको पीसना होगा, ठीक है। मेरी अच्छी चूर हो जा रही थी तो मैंने इसको हाथ से ही कर लिया। अब इसमें मैंने देखिए 1/2 किलो जो है दही डालनी है, ब्रिस्ता के अंदर मैंने चूर कर लिया, इसमें अब मैं डाल दूंगी 1/2 किलो दही, और ये डाल के हमें एकदम अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट जैसा रेडी कर लेना है। ये मैंने पूरी दही डाल दी इसके अंदर 1/2 kg, ये देखिए कितने अच्छे से दोनों मिक्स हो रहा है एकदम, देखिए एक पेस्ट जैसा रेडी हो गया है बिल्कुल फाइन। अब यहाँ पे जो अदरक लहसुन हमने रखा था भूनने के लिए वो हम चेक कर लेंगे और डाल देंगे अब इसमें मसाले। मसाले में मैं यूज़ करूँगी इसमें देखिए तंदूरी मसाला, आपके पास जो भी तंदूरी मसाला है, मैं एवरेस्ट का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो है वो यूज़ कर सकते। इसका जो एक्चुअली ये टिक्का बिरयानी है, इसीलिए आप सोच रहे होंगे मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि हम टिक्का बिरयानी आज बना रहे हैं। ये हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून, क्योंकि इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है मेन मसाला जो है यही जाने वाला है, और मेरा होममेड जो है गरम मसाला मेरे घर पे होता है, मैं घर में बनाती हूँ वो मैं ऐड करूँगी, और जो तंदूरी का मसाला ये जाएगा और रेड चिली पाउडर और थोड़ी हल्दी, ये सब चीज़ें ही हमें डालनी है। ये देखिए तंदूरी मसाला डाल के मैंने इसको थोड़ा देर भून लिया, अब इसके बाद जो है मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून जो है हमको रेड चिली पाउडर डाल देना है, क्योंकि देखो ग्रीन चिलीज़ भी हमने पेस्ट में डाली थी तो उसके लिए हमें आराम से डालना होगा। ये देखिए गरम मसाला मेरा होममेड है, ये मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून,
अब इसे जो है हमें अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई करना रेसिपी, ऐसी रेसिपी है ये कि आप लोग ने कभी देखी नहीं होगी, कभी खाई नहीं होगी, बाहर की बिरयानी आप खाना जो है भूल जाएंगे, इतनी अच्छी ये टिक्का बिरयानी बनती है। देखिए मैंने इसमें पानी भी डाल दिया ताकि मसाला जो है नीचे से लगे ना। इसे हमें अच्छे से भूनना है, देखिए मसाला जो है भूनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, मसाले के हिसाब से हमें नमक डालना है। चिकन में भी हमने नमक डाला था मैरिनेशन में, ये ग्रेवी के हिसाब से अब हमें मैंने नमक डाल दिया है इसके अंदर और इसको भूनना। देखो अभी ये जो मैंने डाला है इसको कम से कम मैं 15 मिनट्स पे धीमी आंच पे मैं पकाऊंगी, ठीक है। ये धीमी आंच पे मैं चला चला कर बीच बीच में चेक करके नीचे ना लगे 15-20 मिनट तक हमें इसे भूनना है। देखिए इसमें अभी भूनने के बाद तेल भी छोड़ दिया और मैंने बाद में जो चिकन फ्राई की थी उसका भी मैंने तेल ऐड किया है, तो इसके लिए इसमें इतना तेल अभी छोड़ दिया है। अब जो हमने पेस्ट बनाया था अनियन और दही का, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें देखिए अच्छा सा ना टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है ग्रेवी का, बिल्कुल जैसे मुंह में नहीं लगता है प्याज वगैरह ज़्यादा और अच्छे से जो है मसाला मिक्स हो जाता है। ये देखिए मिक्स कर लिया मैंने यहाँ अच्छे से। यहाँ पे हम जो है फूड कलर ऐड कर देंगे, जो रेड कलर होता है ना टिक्का बिरयानी में, उसके लिए हम मैंने यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। इससे कलर बहुत अच्छा रेडिश जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है ना बिल्कुल वैसा ही कलर आ जाएगा। देखिए कलर देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। अब इसमें जो पानी था मैंने थोड़ा डालकर पानी डाल दिया है। अब इसे भी जो है हम थोड़ी देर भून लेंगे। देखो बिरयानी या कोई भी चीज़ बनाओ जब आप इसे अच्छे से भूनते हैं ना तो वो बहुत अच्छा बनता है, फिर टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए ये भी अब भून गया है अच्छे से, हमारा पूरा मसाला अब अच्छे से भुना गया है। अब बस हमें जो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि चिकन अब हम इसके बाद इसमें डालने वाले हैं जो हमने फ्राई किया है, तो उसमें थोड़ा सा पकने के लिए उसको थोड़ा सा पानी चाहिए ना, तो उसके लिए जो है मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना डालो कि वो चिकन उसमें जाने के बाद पक जाए और अच्छा थिक ग्रेवी बन जाए हमारा। ये देखिए मैंने अब यहाँ पर जो है चिकन ऐड कर दिया है, चिकन सारा फ्राई हो गया था बस अब इसमें ऐड कर रही हूँ, है ना। अभी देखिए इतना सारा चिकन है तो उसके लिए इसीलिए पानी डालेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि हमने चिकन को भी पूरी तरह से फ्राई नहीं किया है, 80-90% तक कुक है ये, तो थोड़ी देर और हम जब इसे धीमे आंच पे रखेंगे तो ये पक जाएगा। अब देखिए इसमें जो है मेन हीरो जो है इसका, थोड़ा सा इसमें जो है हमें डालना है टोमेटो केचप। ये टोमेटो केचप मैंने 3 टेबल स्पून डाला होगा इसमें, जो हल्की सी स्वीटनेस आने के लिए, जब आप टोमेटो केचप डालते हो ना इसमें खटास और उसकी जो स्वीटनेस थोड़ी सी आती है टिक्का बिरयानी में वो बहुत ही बेहतरीन लगती है, तो ये मैं टिक्का बिरयानी में हमेशा ही डालती हूँ। अब इसको जो है मैं 5-8 मिनट के लिए रख दूँगी पकने, जब तक के लिए मैंने यहाँ पर एक कोयला ले लिया है, इसको मैंने जो है पकने के लिए रख दिया गर्म होने के लिए, और साथ में यहाँ पर जो चावल का भी पानी रख दिया है मैंने दूसरी डेगची में। देखिए यहाँ पर जो अब है चिकन हमारा रेडी हो चुका है, एकदम फाइनल 100% कुक हो चुका है। ये पॉइंट पे अब जो है हमें देखिए सिर्फ इस तरह से एक कटोरी जैसा बना लेना है फॉइल पेपर का, इसमें जो हम कोल रखे थे गरम करने वो हम डाल देंगे और डाल देंगे इसमें थोड़ा सा तेल बटर घी जो भी आपको डालना है। यहाँ मैं तेल डाल रही हूँ, इसका जो अरोमा आता है ना कोयले का मेन टिक्का का सारा फ्लेवर यही में, तो बस ये मैं इसको रख दूँगी 2-4 मिनट के लिए अच्छे से ताकि उसका खुशबू जो है अच्छे से उसमें आ जाए। ये देखिए मैंने उसके ऊपर एक पतीली भी रख दी है ताकि वो उसका धुआं ना निकले। अब यहाँ पे देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ बिरयानी को बैठाने की, चावल मैंने पका लिया था, ठीक है। पहले जो लेयर है हम डाल देंगे थोड़ा सा चावल, मतलब एक लेयर पतला सा चावल का डालना है, ज़्यादा नहीं,
उसके बाद जो है हमको मसाला डालना है, फिर मैं चावल डालूंगी फिर मसाला डालूँ। सॉरी फ्रेंड, मुझसे जो है एक स्टेप इसमें आगे मिस हो जाएगी क्योंकि मेरे वीडियो मेरा जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ। फर्स्ट स्टेप जो मैंने मसाले की देखी डाली थी वो नहीं रिकॉर्ड हो पाया। ये सेकेंड लेयर है चिकन का। उसके बाद जो मैं इस पर जो है ब्रिस्ता डालूंगी और उसके बाद हम जो है थोड़ी धनिया पत्ती डाल देंगे और फिर इसको हम कवर कर देंगे राइस से। तो फर्स्ट स्टेप में भी सेम मैंने यही प्रोसीजर किया था, बस वो स्किप हो गया मुझसे। और उसके बाद अब देखो ये दूसरा लेयर है मसाले का, अब इसके ऊपर जो है मैं राइस डाल दूंगी पूरा। अच्छे से हमें सब तरफ जो है राइस डाल देना है। राइस मैंने देखिए फ्रेंड्स ले लिया था 2 किलो, 2 किलो मैंने पूरा राइस लिया था और 2.5 किलो जो है चिकन लिया था। देखिए सारा राइस मैंने जो है डाल दिया है। अब इसके बाद जो है प्याज का ब्रिस्ता जो एंड में बचा हुआ है वो हम इस पे डाल देंगे और फिर धनिया पत्ती, इसे हम गार्निश कर लेंगे। अच्छे से सब तरफ डाल देना ताकि खूबसूरत लगे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, घी में कुछ गरम मसाले डाल के मैंने गरम कर लिया है और इससे जो है हम ऊपर से डाल देंगे ताकि राइस में सूखापन ना रहे। घी से जो है अच्छा टेस्ट आता है। देसी घी है, असली घी मैंने गरम कर ली थी और उसमें कुछ गरम मसाले डाले हैं और वही मैं डाल दी उसमें। अब यहाँ पर जो मैंने डाल दिया है कलर, फूड कलर, ऑरेंज रेड फूड कलर ले लिया था मैंने, वही डाली हूँ मैं इसमें। ये देखिए डाल के रेडी, थोड़ा सा एक दो बार टैप टैप कर लेंगे, ये रेडी हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है दम पर रख देंगे। ये मैंने अच्छे से फॉइल से पैक कर लिया है, उसके बाद एक ऊपर बड़ी हैवी डेगची रख ली है और उसको मैंने 30 मिनट्स के लिए मैंने दम दिया था। 30 मिनट्स के बाद देखिए ये बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। मैंने डिस्पोजेबल कंटेनर्स ले लिया है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले मैं ज़रूरतमंदों के लिए जो है मैं निकाल लूँगी खाना, सबसे पहले वो ज़रूरी है करना, तो मैं पहले जो है सबसे वही निकाल रही हूँ। उसके बाद जो है घर के लिए रखना है, फ्रेंड्स में देना है, वो वही मैं अभी यहाँ पर पैक कर रही हूँ। बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं, मेरे भाई के भी बच्चे एक्चुअली हॉस्टल से यहीं आ गए थे तो वो भी मेरे साथ में थे, पैक करवा रहे थे सब चीज़ें, और हादी अशास तो थे ही। फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा तरीका कैसा लगा सेलिब्रेट करने का ईद मिलाद। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।